बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम स्कूबना हियर फ्रॉम क्लास टू। काइंडली ओपन योर इंग्लिश बुक यूनिट नंबर 3। द नेम ऑफ चैप्टर इज़ द माइस एंड द एलिफेंट्स, चूहे और हाथी। नाउ फर्स्ट वी आर रीडिंग द वर्ड्स मीनिंग ऑफ चैप्टर नंबर 3। एग्री टू थिंक द सेम, एक जैसा सोचना, आप ये भी कह सकते हैं टू से यस। कंफर्टेबल, टू एस। फीस्ट, अ लार्ज मील। फेस्टिवल, अ टाइम ऑफ सेलिब्रेशन। हार्ट, अ नंबर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। वीक, नॉट स्ट्रॉन्ग। होल, कंप्लीट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टार्ट रीडिंग। वंस अपॉन अ टाइम अ किंग लिव्ड इन अ फाइन स्टोन पैलेस। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक किंग जो बहुत शानदार पत्थरों के महल में रहता था, आफ्टर मैनी ईयर्स, बहुत सालों बाद या बहुत सालों के बाद, द किंग ग्रू ओल्ड एंड डाई, वो बुरा हुआ और मर गया। एवरी वन लेफ्ट द पैलेस, हर एक ने महल छोड़ दिया। स्लोली आहिस्ता द वॉल्स फेल डाउन, उसकी दीवारें गिर गईं। एंड सून ओनली द फ्लोर वर लेफ्ट, अब सिर्फ उसके फर्श बाकी हैं। नाउ इन द क्रैक्स ऑफ द फ्लोर्स लिव्ड हंड्रेड्स ऑफ माइस, अब जो उसकी ज़मीन पर दरारें हैं उसमें 100 के करीब चूहे रहते हैं। दे लिव्ड विद देयर सन्स एंड ग्रैंड सन्स, देयर ग्रैंड फादर एंड देयर ग्रैंड मदर्स, एंड दे वर ऑल वेरी कम्फर्टेबल। अब उन दरारों में वो बता रहा है कि चूहों के बच्चे, जो उनके बच्चे हैं, उनके पोते पोतियाँ, उनके दादा दादी जो हैं, वो उन दरारों में बहुत कम्फर्टेबल, बहुत आराम से रह रही हैं। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ये फ्लोर है, उसमें जो वो क्रैक्स आए हुए हैं उसमें ज़्यादा सारे चूहे हैं। कोई खाना बना रहा है, टेबल लगा हुआ है, कोई खाना खा रहा है, तो बड़ा कंफर्टेबली जो है ना वो वहाँ पर रह रहे हैं। दे प्लेड गेम्स, वहाँ वो गेम्स खेलते हैं। हैड फेस्टिवल्स एंड मैरिजेस, ड्रामाज एंड फीस्ट, वहाँ पर वो गेम्स खेल रहे हैं, त्यौहार, शादियाँ, ड्रामे और लंबे से दस्तरखान। फीस्ट, फ्रेंड्स हमने ऊपर वर्ड्स मीनिंग में पढ़ा था, अ लार्ज मील, के वो एक बड़े ज़्यादा सारे खाने का इंतज़ाम करते हैं। दे वर ऑल वेरी हैप्पी, और वो सब खुश रहते हैं। नियर द पैलेस वॉज अ लार्ज लेक, पैलेस के करीब एक बहुत बड़ी झील थी। वन डे, एक दिन, इन द हॉट वेदर, बहुत गर्म मौसम था, द एलिफेंट किंग केम देयर विथ हिज हर्ड टू ड्रिंक वाटर, एक दिन बादशाह हाथी अपने झुंड के साथ वहाँ पानी पीने आया। कहाँ पीने आया? लेक पर। किन के साथ? अपने पूरे झुंड के साथ आया। और कौन आया? एलिफेंट किंग, बादशाह किंग। द होल हर्ड वॉक्ड ऑल ओवर द फ्लोर्स ऑफ द पैलेस, फिर तमाम झुंड ने जो पैलेस के फर्श थे वहाँ पर सैर की। दे किल्ड मैनी ऑफ द माइस, और उसने बहुत से हाथी जो थे उनके पाँव के नीचे चूहे मारे गए। द माइस वर वेरी सैड, अब चूहे जो हैं वो हाथियों के पाँव के नीचे आके मारे गए, वो बहुत ज़्यादा उदास थे। दे हेल्ड अ मीटिंग, अब उन्होंने एक मीटिंग बिठाई। किन्होंने मीटिंग? चूहों ने बिठाई, क्योंकि चूहे बहुत ज़्यादा मारे गए थे, तो उन्होंने आपस में क्या डिसाइड किया कि अब हम एक मीटिंग करेंगे। दीज एलिफेंट्स विल किल अस ऑल, इस तरह तो तमाम जो हैं वो एलिफेंट अपने पाँव के नीचे आके जो है उनके चूहे मारे जाएंगे। दे क्राइड, वो चलाए, चूहा अब चलाया कि बहुत से जो चूहे हैं वो हमें, हम मारे जाएंगे, बहुत से हाथी जो है वो हमें मार देंगे। व्हाट शैल वी डू, अब हमें क्या करना चाहिए? व्हाट शैल वी डू, अब हमें क्या करना चाहिए? सम ऑफ द माइस वेंट टू द एलिफेंट्स, अब उनमें से कुछ चूहे जो हैं वो हाथियों के पास गए। दे सेड, उन्होंने कहा, ओ फ्रेंड्स, ओ दोस्तों, वी लिव अंडर द पैलेस फ्लोर्स, मैंने आपको बताया था कि जो फ्लोर्स थे उन पर क्रैक्स आ गए थे, तो बहुत से हंड्रेड्स जो माइस थे वो वहाँ पर रहना शुरू हो गए थे। वो वहाँ पर म्यूज़िक, मैरिजेस और खाने जो है वो वहाँ पर इंजॉय करते थे। अब वो बता रहा है एलिफेंट को
वी लिव अंडर द पैलेस फ्लोर, हम जो है वो फ्लोर का जो पैलेस का फ्लोर है उसमें रहते हैं. इफ़ यू वॉक ओवर द फ्लोर्स, जब आप उस पर वॉक करते हैं, ऑन द वे टू द लेक, अगर आपको चलना है झील के रास्ते से, यू विल किल अस ऑल, तो आप हम सबको मार देंगे. प्लीज़ गो अलॉन्ग एन अदर पाथ, ब्राय मेहरबानी. अब चूहा जो है वो हाथी से कह रहा है कि ब्राय मेहरबानी आप किसी और रास्ते पर चलें. वन डे, एक दिन, वी मे हेल्प यू, हम आपकी मदद करेंगे. द एलिफेंट किंग एंड इज हर्ड लिसनिंग टू द माइस एंड एग्री टू यूज एन अदर पाथ. अब यहाँ पर जो एलिफेंट बादशाह था और उसका हर्ड हर्ड कौन था, जून, उन्होंने माइस की बात सुनी एंड एग्रीड टू से यस. आपने वर्ड्स मीनिंग में पढ़ा था, वो मान गए टू यूज़ एन अदर पाथ, कि अब वो और रास्ता इस्तेमाल करेंगे. वन डे, एक दिन, द एलिफेंट किंग एंड इज हर्ड वर ट्रैप्ड इन द फॉरेस्ट बाय सम हंटर्स. एक दिन बादशाह हाथी और उसका झुंड जंगल में कुछ शिकारियों के हाथ आ गए. आप यहाँ पर पिक्स में देख सकते हैं. दे वर टाइड अप विद रोप्स, उन्होंने उनको मजबूत रस्सी से बांध दिया. लकीली, खुशकिस्मती से वन ऑफ द एलिफेंट एस्केप द ट्रैप, खुशकिस्मती से जो एक हाथी था उस जाल में से अपनी जान बचाकर निकल गया. ही रैन थ्रू द फॉरेस्ट एंड कॉल द माइस, वो जो हाथी था वो जंगल की तरफ भागा चूहों को पुकारता हुआ. हंड्रेड्स ऑफ देम केम टू हेल्प द एलिफेंट्स, 100 की तादाद में जो चूहे हैं वो हाथियों की मदद के लिए जंगल की तरफ भागे. दे बिट थ्रू द रोप्स, उन्होंने रस्सियों को काटना शुरू किया. एंड सेट थ्रू द एलिफेंट्स फ्री, जब उन्होंने रस्सियों को काटना शुरू किया तो तमाम हाथी जो है वो आज़ाद हो गए. द एलिफेंट्स थैंक द माइस, हाथियों ने चूहों का शुक्रिया अदा किया. एंड दे रिमेंबर्ड द ओल्ड सेइंग, एक पुरानी कहावत है, मेक फ्रेंड्स ऑलवेज मेक फ्रेंड्स, दोस्त बनाए और हमेशा दोस्त बनाए, हाउएवर कहाँ स्ट्रॉन्ग और वीक, ये ना देखते हुए कि वो मजबूत हैं या कमज़ोर हैं. थैंक यू सो मच.